कट्स संस्था की ओर से जयपुर में विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं को लेकर हो रही प्रतिस्पर्धा के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में 50 देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान कट्स संस्था के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप मेहता ने बताया कि आज उपभोक्ता सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस कारण उनके लिए ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कंपनियों का संवर्धन हो और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। करीब करीब 50 देशों से हमारे डेलीगेट्स आए हैं इसके अंदर, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं और सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब जो नए आयाम जो पैदा हो रहे हैं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, एक प्रतिस्पर्धा कानून तो होता ही है, जिस तरह भारत में एक है कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए जैसे उबर है या ओला है, इसे जो नई तरह की जो सेवा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसरप्टिव इकोनॉमी, इसको कैसे रेगुलेट करा जाए ताकि इनका संवर्धन हो सके, नहीं इनकी रुकावट पैदा हो। और आज हो ये रहा है, क्योंकि रेगुलेटर समझते ही नहीं है, तो रुकावटें पैदा हो सकती हैं। हमारे कानूनों में या नियमों में जो कठोरताएं हैं अनावश्यक, उनको कैसे हटाया जाए, सरकार को पेश करेंगे, नहीं सिर्फ सरकार को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग अलग देशों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।